उत्तराखंड में इस प्राकृतिक आपदा से निपटने में सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि बारिश रुक रुक कर अभी भी हो रही है। आपको दिखाते हैं कौन कौन से इलाकों में तबाही हुई। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद शुरू हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। आज एक बार फिर चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बादल फटने की यह घटना नंदप्रयाग में हुई। बद्रीनाथ से गौचर के बीच करीब 3,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। नैनीताल के रास्ते में सड़क बंद होने से लोग परेशान हैं। 8:30 बजे के बाद जब बारिश शुरू हुई तो अब तो पत्थर आने शुरू हो गए। 8:30 बजे तक यहाँ पर ना तो कोई प्रशासन का कोई आदमी है, ना यहाँ पर दूध कहीं पे है, ना कोई बच्चे यहाँ पे रो रहे हैं गाड़ियों के अंदर, किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चमोली में भी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बद्रीनाथ जाने वाले यात्री परेशान हैं। बद्रीनाथ हाईवे चमोली और नंदप्रयाग के बीच ब्लॉक है, जबकि चमोली केदारनाथ चोपता हाईवे भी पटियाल धार के पास बंद है। 2 किलोमीटर तक वो अपना लाइन लगी खड़ी है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ, समझ गए, जनानियां भी हैं अपना, इनको बच्चों पर तो असर करना चाहिए प्रशासन को। पिथौरागढ़ में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। कई घरों में मलबा घुस चुका है जबकि कई घर बह गए हैं। संकट यही है कि बारिश रुक रुक कर हो रही है। पिथौरागढ़ के पतसड़ी, सिगड़ी और नोल्डा में बादल फटने से तबाही हुई। टोपराधार दाफिलों में 2 मकान गिरने से कई जानवर मलबे में दबकर मर गए। धारचुला इलाके में 3 और जौलजीबी में 2 पुल टूट कर बह गए। चमोली में बादल फटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। कोपेश्वर के पास सिरों में 2 लोग मलबे में दबने से मर गए। मुख्यमंत्री हरीश रावत हालात के नियंत्रण में होने का दावा कर रहे हैं। बचाव दल सब जगह पहुंच गए हैं। कई एक बस्तेड़ी में जो है आर्मी और आईटीबी भी पहुंची है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ नौलड़ा से लेकर के घाट में दूसरे स्थानों पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बादल फटने और भारी बारिश की वजह से हुई मौतों पर दुख जाहिर किया और उम्मीद जताई कि स्थिति जल्द ठीक होगी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बादल फटने और भारी बारिश के कारण हुई मौतों पर दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। नंदाकिनी नदी में लापता 6 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। जगह जगह सड़क बंद होने से रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद होने के दावे कर रहा है। गोविंद घाट पुल के पास मलबा गिरने से हेमकुंड साहिब की यात्रा का रास्ता बंद हो गया था। हालांकि मलबा हटाए जाने के बाद अब हेमकुंड साहिब का रास्ता खुल गया है। चमोली और पिथौरागढ़ के 50 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 2 घंटे में 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई। पुलिस के साथ रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में लगातार लगी हुई हैं। लेकिन कई हाईवे पर अभी भी लंबा जाम लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।